स्वर्णनगरी जैसलमेर की अर्थव्यवस्था यहां के पर्यटन पर निर्भर है। फिलहाल मंदी का दौर चल रहा है तो पर्यटन व्यवसाय भी पिट गया है। सैलानियों की आवक में कमी के चलते शहर के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है। जैसलमेर में सैलानियों का टोटा आखिर क्यों है, इसके पीछे कई वजह हैं। रिपोर्ट में देखिए, जैसलमेर जिसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, हवेलियों के शहर के तौर पर इसकी पहचान है। इस शहर की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है, लेकिन मंदी की मार ने यहां के पर्यटन व्यवसाय पर बुरी तरीके से असर डाला है। पर्यटकों की तादाद में हुई कमी ने शहर के व्यवसायियों को चिंता में डाल दिया है। जुलाई अगस्त महीने में जहां हर साल 80,000 से 1,00,000 सैलानी तक आते थे, वहीं इस बार ये आंकड़ा 37,000 तक ही पहुंचा। यानी इन महीनों में 60% सैलानी कम आए। विदेशी सैलानियों का पीक सीजन जुलाई और अगस्त महीना होता था। इस दौरान फ्रांस और स्पेन के हजारों पर्यटक यहां आते, लेकिन इस बार इन दो महीनों में 8,500 विदेशी पर्यटक भी नहीं आए। सैलानी जो आ रहे हैं वो बहुत कम जैसलमेर में आ रहे हैं। इस बार की जो 60% से 70% टूरिस्टों की आवक कम हुई है जैसलमेर में, और अभी तक भी ऐसा माहौल नहीं बन रहा है कि भाई जैसलमेर में टूरिस्टों की शुरुआत हो चुकी है। रेस्टोरेंट होटल्स वालों ने सबने अपनी प्रिपरेशन करके रख ली है, यही कि भाई टूरिस्ट की सीजन शुरू हो गई है, पर अभी तक टूरिस्ट है जो जैसलमेर में जितनी आने चाहिए थे उतनी नहीं आ रहे हैं। क्या सैलानियों का जैसलमेर से मोह भंग हो रहा है? विदेशी सैलानियों की आवक में कमी के पीछे उनका जैसलमेर से मोहभंग होना बताया जा रहा है। जैसलमेर की छवि जो पहले हुआ करती थी वो अब नहीं रही। यहाँ की स्थानीय समस्याएं पर्यटन का माहौल बिगाड़ रही हैं। सैलानियों के साथ ठगी और दुर्व्यवहार के मामले भी यहाँ लगातार बढ़े हैं, और इसी बात से परेशान होकर विदेशी पर्यटक अब यहाँ आने से कतराते हैं। हवाई सेवा शुरू होने का फायदा नहीं। हवाई सेवा शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा था कि जैसलमेर के पर्यटन को काफी लाभ होगा, लेकिन अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा। हालांकि पिछले साल हवाई कनेक्टिविटी का फायदा ये हुआ कि जैसलमेर में देसी पर्यटकों की रिकॉर्ड आवक हुई, लेकिन विदेशी सैलानियों का टोटा लगा रहा। जुलाई और अगस्त महीने में इतने कम सैलानी पहुंचे, जिससे लगता है कि हवाई सेवा शुरू होने का इस पर्यटन सीजन में कोई फायदा हुआ नहीं। देसी विदेशी देसी की बात करें तो उसी तरीके से देसी में भी वही आर्थिक मंदी दिखी है। आर्थिक मंदी से मतलब पूरे भारत में जो क्राइसिस जो एरिया दिख रहा है उससे जैसलमेर में भी है। जिस तरीके से हवाई जहाज में, रेल की यात्राओं में, बस के माध्यम से या किसी अन्य साधनों से जो जैसलमेर पर्यटक आते थे उसमें कहीं कहीं कमी जैसलमेर को झेलनी पड़ रही है। जानकार बताते हैं कि एक बार किसी शहर से पर्यटकों का मोह भंग हो जाए तो समझो आगामी कई सालों तक उसे विकसित कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सवाल तो यही कि आखिर पर्यटकों के मोह भंग के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार कौन? शहरवासी जो शहर को साफ सुथरा रखने को लेकर जागरूक नहीं है? पर्यटन व्यवसायी जो पर्यटन नगरी की व्यवस्थाएं सुधारने में सहयोग नहीं कर रहे? जिला प्रशासन पर्यटन को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता? नए पर्यटन क्षेत्र तलाशने और विकसित करने के प्रति भी सजग नजर नहीं आता? या फिर सरकार जो स्वर्ण नगरी के पर्यटन के लिए विशेष पैकेज दे ही नहीं रही? या नगर परिषद शहर को साफ सुथरा और पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने में जो विफल साबित हो रहा है? या फिर लप के जो पर्यटन के लिए नासूर बन चुके हैं और सैलानियों के साथ ठगी और दुर्व्यवहार के मामले खूब आते हैं? अब जाहिर है कि जल्द ही जैसलमेर में पर्यटन के विकास के लिए काम नहीं किया गया तो जैसलमेर में पर्यटन व्यवसाय चौपट हो जाएगा। मनीष रामदेव, जी मीडिया, जैसलमेर।